वेलकम टू माय चैनल। और गाइस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि गाइस आप कैसे एक ग्रुप मीटिंग या आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं वो भी विद वीडियो कॉल के थ्रू। सो गाइस जूम ऐप के बिना। सो गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि आप जूम ऐप के बिना कैसे आप ग्रुप वीडियो कॉल के थ्रू आपका जो है मीटिंग आपका जो है वीडियो वो शेयर कर सकते हैं वो भी लाइव। सो गाइस इस वीडियो में तो मैं जूम ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि तो जूम ऐप जो है खतरनाक ऐप निकला। अब इस वीडियो में जो ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, सो गाइस उस ऐप का जो है जूम ऐप की जैसी आपको फीचर्स मिलेगा, सेम टू सेम फीचर्स मिलेगा, वो भी सिक्योर, आपका जो है डाटा भी सिक्योर रहेगा, प्रोफाइल भी सिक्योर रहेगा। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले, सो गाइस जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस पहले तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ गाइस। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये आ गया हमारा जो है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको जूम ऐप के बिना विथ लाइव प्रूफ वीडियो कॉलिंग थ्रू कैसे अपना जो मीटिंग स्टडी जो भी है वो कर सकते हैं वो दिखाऊंगा। सो गाइस पहले तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। सो गाइस प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस यहाँ पर गूगल पे यहाँ पर जो सर्च बटन है ना गाइस, सिर्फ यहाँ पर सर्च बटन पे क्लिक करके यहाँ पर सिर्फ आपको सर्च करना है गूगल मीटिंग, क्योंकि गाइस गूगल एक बहुत ही मल्टी मिलियनर कंपनी है जो कि गाइस ट्रस्टेड कंपनी है। आप इसे यूज कर सकते हैं गूगल मीटिंग, गूगल मीट। सो गाइस गूगल मीट हमारा जो कंपनी है यानी हमारा जो ऐप है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए व्हाट्स द न्यू इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर 250% मीटिंग, यानी आप ये इस ऐप पे 250 जो है पर्सन यानी 250 जो भी है गाइस यहाँ पर पर्सन जो है यहाँ पर मीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से जल्दी करना कुछ नहीं, यहाँ पर इंस्टॉल बटन दबाओ और गाइस इंस्टॉल कर लो। सो गाइस मैं तो पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ क्योंकि मुझे तो इस फीचर्स बहुत अच्छे लगी है। सो गाइस यहाँ पर मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो गाइस इससे आपको करना कुछ नहीं, इंस्टॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर ओपन करना है और कुछ नहीं। गाइस आप जब पहली बार गूगल मीट ऐप को ओपन करेंगे, सो गाइस यहाँ पर आपको पहले तो आपको गूगल से यानी जीमेल अकाउंट से इस वाले गूगल मीट को कनेक्ट करना होगा, क्योंकि गाइस आपको पता ही है ये गूगल कंपनी का ऐप है। तो गाइस अब तो पहले जीमेल कनेक्ट कर ही लो, करने के बाद यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो थ्री डॉट दिख रहा है ना गाइस, मैं धीरे यहाँ पर थ्री डॉट के पहले से क्लिक करता हूँ एंड देन गाइस देख लीजिए मैं जिस जीमेल पे यहाँ पर कनेक्ट करके रखा हूँ उस जीमेल दिखा दिया है। एंड देन यहाँ पर सेटिंग्स एंड फीडबैक रिपोर्ट रिव्यूज हेल्प यहाँ पर बहुत सारा कुछ ऑप्शन है जिसे हम नहीं चाहिए। सो गाइस यहाँ पर गाइस आप आते हैं राइट साइड के जो है ऊपर में यहाँ पर जो माइक का साउंड है इसे आप क्लिक करके यहाँ पर स्पीकर फोन ऑडियो आप कैंसिल, ये चार चीज़ें जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, स्पीकर पे डाल सकते हैं, फ़ोन पे डाल सकते हैं, ऑडियो आप कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं जो आप चाहिए। और गाइस यहाँ पर जो आपको माइक्रोफोन का साउंड दिख रहा है, ठीक है गाइस यहाँ पर जो मेट यहाँ पर जो मेरा चैनल का लोगो दिख रहा है उसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड में जो है माइक्रोफोन का साउंड दिख रहा है गाइस, अगर आप इसे दबा देंगे यानी माइक्रोफोन ऑफ यानी आपका जो आवाज़ है वो किसी को नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। और फिलहाल तो मैं वीडियो है उसे भी ऑफ करके रखा है तो आप वीडियो भी किसी के ऊपर नहीं दिखेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर गाइस ये हो गया हमारा जो पूरा बैकअप कंप्लीट। फिर आप हम आते हैं नीचे पे, यहाँ पर गाइस आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर है पहले तो है न्यू मीटिंग और यहाँ पर है मीटिंग कोड, ठीक है। पहले तो हम न्यू मीटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो हम आते हैं मीटिंग कोड के बारे में, ठीक है, क्योंकि मीटिंग कोड बहुत ही सिंपल का तरीका है। मीटिंग कोड का गाइस आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मीटिंग कोड डालने का कुछ ऑप्शन आ गया, यानी जो बंदा यानी जो टीचर मीटिंग होस्ट कर रहा है वो आपको एक मीटिंग कोड भेजेगा जो कि आपको लेना है एंड देन यहाँ पर करना कुछ नहीं है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मीटिंग कोड जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी एक मीटिंग कोड यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मान लो एज जो भी है, मैंने यहाँ पर मीटिंग कोड मैंने कुछ भी एक मीटिंग कोड डाल दिया, मान लो ये मीटिंग कोड मैंने पाया है एंड देन यहाँ पर मैंने डालने के बाद यहाँ पर करना कुछ नहीं, जॉइन मीटिंग पे आपको क्लिक कर देना है।
फिलहाल तो ये मीटिंग एक फॉल्स मीटिंग है। सो गाइस मैं यहाँ पर डेमो के सब के दिखा रहा था। सो सबको करना कुछ नहीं है, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कर देना है। सो गाइस ये हो गया आपको कैसे मीटिंग पे एंटर करना है। सो गाइस मैं इसे काट कर देता हूँ एंड देन आपको करना कुछ नहीं है, आपको न्यू मीटिंग के बारे में जानना है। सो गाइस यहाँ पर न्यू मीटिंग पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर फिलहाल तो थ्रू न्यू मीटिंग पे आपको क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस सर्चिंग हो रहा है। एंड देन अगर आपको इंटरनेट का भी स्पीड ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं इसे। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए शेयर दिस टू इनवाइट अदर्स। सो गाइस यहाँ पर एक लिंक आपको मिल जाएगा जो कि आपको शेयर करके भी आप जो है स्टूडेंट जो है जो बंदा यानी इस वाले मीटिंग के ऐड होना चाहते हैं उसे आप शेयर करके भी इसे ऐड कर सकते हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। ठीक है यहाँ पर तो मुझे शेयर नहीं करना तो मैं गाइस कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है कैंसिल करने के बाद गाइस आपको करना कुछ नहीं है, मीटिंग कोड आपको पाना है जो कि गाइस बांधने को भेजना है। वो आप कैसे कैसे पाएंगे, ठीक है कैसे पाएंगे उस मीटिंग कोड को, वो करना कुछ नहीं को कैंसिल कर देना है इसे। आपको गाइस बैक कर देना है, बैक करने के बाद इसे आपको स्क्रॉल करके ऊपर कर लेना है। एंड देन यहाँ पर गाइस देख लीजिए यहाँ पर नीचे पे एक आपको नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है यहाँ पर मैंने शो करके दिया है एंड देन उस पहले मीटिंग कोड का आपको करना कुछ नहीं, इसे क्लिक करना है। ठीक है एंड देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस एक मीटिंग कोड आपको देखने का मिल जाएगा HNZBRXGTCZ। इस पहले मीटिंग कोड का आपको कॉपी करना है एंड देन उस बंदे को भेजना है जिस बंदे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं यानी स्टूडेंट को यानी भेजना। भेज देने के बाद उस स्टूडेंट को करना, उस स्टूडेंट करेगा क्या, इस वाले मीटिंग कोड को कॉपी करेंगे एंड देन कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो मीटिंग कोड का जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद उस वाले मीटिंग कोड का जो ब्लैंक यानी फाइल है यहाँ पर गाइस पेस्ट कर देंगे एंड देन ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस वो स्टूडेंट डायरेक्ट अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंस आप वीडियो कॉन्फ्रेंस होस्टिंग कर रहे हैं वो गाइस वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ये थी हमारे मीटिंग कोड। सो गाइस मैं इसे फिर से दोबारा क्लिक करने जा रहा हूँ हमारे नीचे का जो फाइल है एंड देन गाइस मैंने क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर गाइस बहुत सारे कुछ ऑप्शन है मैं एक एक करके बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर पहले मैं ट्रिपल लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, गाइस मैंने देखा नहीं भूल गया। सो गाइस यहाँ पर जो मैंने ट्रिपल लाइन पे क्लिक कर दिया एंड देन गाइस यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो ट्रिपल लाइन है इसे मैंने क्लिक कर दिया। मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड देन स्विच कैमरा यानी स्विच कैमरा का मतलब तो आपको पता ही होगा कि आप कैमरा फ्रंट के चाहते हो या बैक के चाहते हो। एंड देन गाइस टर्न ऑन कैप्शन, इसका मतलब है गाइस जब आप वीडियो पे कुछ बातें करेंगे वो गाइस टेक्स्ट के थ्रू आपके वीडियो के ऊपर फ्लोटिंग होता जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है, एक खास बात है। एंड देन प्रेजेंट स्क्रीन जो है अगर आप अपने स्क्रीन पे मान लो पीडीएफ पे कुछ पढ़ना चाहते हो यानी कुछ दिखाना चाहते हो अपने स्टूडेंट को, हाँ तो गाइस आप प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक करके डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे चले जाना एंड देन देख लीजिए यहाँ पर पीपल विल सी एवरीथिंग ऑन योर स्क्रीन इंक्लूडिंग नोटिफिकेशन यानी आपके अगर मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आते हैं तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू आपके स्टूडेंट को भी वो देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये तो ध्यान में रहेगा एंड देन मैं फिर से जाता हूँ ट्रिपल लाइन पे, यहाँ पर अगर रिपोर्ट है प्रॉब्लम रिपोर्ट अब्यूज हेल्प ये तो बहुत सारा ऑप्शन है ये मान लीजिए हो गया। एंड देन आई बटन, अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पर फिर से आपका जो कोड मिल जाएगा मीटिंग का कोड जो आपको करना कुछ नहीं है स्टूडेंट को भेजना है, ये हो गया हमारा। सो गाइस इस गूगल मीट ऐप को कैसे आपको यूज करेंगे वो हम बताएंगे। सो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, जो जो बंदे जो 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 स्टूडेंट इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते हैं उसे आप एक नोटिस दीजिए कि आप इस बजे तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे तो रेडी रहना 5 मिनट पहले, जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा वो 5 मिनट पहले मैं आपको आप लोगों को एक कोड शेयर करूंगा, उस कोड को लेना है एंड देन मीटिंग कोड पे जाके उसे एंटर करके मीटिंग को ज्वाइन करना है। सो गाइस यही है जूम ऐप और गूगल मीट ऐप के डिफरेंस। जूम ऐप के आप क्या कर सकते हैं, एक मीटिंग पहले से क्रिएट करके उस मीटिंग का कोड जो है आप पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर गूगल मीट ऐप पे ऐसा नहीं होता। जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो यानी जब न्यू मीटिंग क्रिएट करते हो तभी आपको कोड मिलता है एंड देन तभी आप शेयर कर सकते हो। यही है जूम ऐप और गूगल मीट ऐप का डिफरेंस और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है।